जो प्रेम था, जो भक्ति थी, जो तड़प थी उनके अंदर, जो जिज्ञासा थी, जो सेवा की भावना थी, वो बड़ी श्रेष्ठ थी। और जो समर्पण था, जो उन्होंने आदेश कर दिया बस कर दिया, जो बोल दिया बस बोल दिया, कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विचार नहीं। लेकिन गोपियों का कुछ अलग ही भाव है। कन्हैया तक को गालियां देते जा रही हैं, रो रो करके कुछ कुछ बोल रही हैं, कुछ कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए कह रही हैं। आश्चर्य है, हर गोपी अपने आप को पूर्ण कर लेना चाहती है। नारी का जो शरीर है, नारी का जो भाव है, वो ग्रहण करने का है, आक्रमण करने का नहीं, ग्रहण करने का है। कितना भी कुछ भी हो, पात्र हो सकता है, इन्विटेशन हो सकता है, लेकिन हाँ आक्रमण नहीं हो सकता। लगभग लगभग ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है 1% उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में सब कुछ अर्पण करके राधा जी की तरह से आक्रमण भी कर दे, लेकिन लगभग लगभग वो गोपियां सब कुछ पाने के लिए लालायित हो रही हैं, खो जाने के लिए। लेकिन कन्हैया देखते हैं प्रत्येक गोपी, क्योंकि जो कन्हैया जिस गोपी के साथ थे उसको उसी के साथ दिखाई दे रहे थे, जो दूसरा रूप धारण किया था वो दूसरे को दिखाई दे रहा था। ये नहीं था कि सब रूपों में एक को ही दिखाई दे रहे थे, नहीं, सब के लिए एक एक बन करके खड़े हो गए थे। तो सबको ये अहंकार हो गया, ये तो तुम्हारे ही हैं, ये तो तुम्हारे ही हैं, तुम इससे सुंदर हो, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम इससे बेहतर नाच सकती हो, तुम इससे बेहतर लुभा सकती हो, इस कारण से कान्हा तुम्हारे हैं। हर गोपी को यही इसी भाव से, लेकिन उन्होंने देखा वो तो अंतर्यामी हैं, वो स्वरूप हैं, मन को जानने वाले हैं, एक एक शब्द को पकड़ने वाले हैं, तेज रूप है, भाव को ग्रहण करने वाले हैं। जो ही मन के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ वो छोड़ करके चल दिए सबको राधा जी के साथ। बड़ा विलाप होने लगा, बड़ी तड़प होने लगी, बड़ी खोज होने लगी। वो न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, लेकिन जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। जिस प्रकार हम सागर के अंदर अपना चेहरा देख सकते हैं, रुके हुए जल के अंदर, शीतल जल के अंदर, ठहरे हुए जल के अंदर, लेकिन अगर सभी जल हिलने लगे, झाल आने लगे, ज्वार भाटा आए, चेहरा नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के ये लहरें उठने लगेगी तो नहीं रोक पाएंगे, नहीं चेहरा देख पाएंगे। इसी कारण से उन गोपियों को नहीं दिखाई दे रहा था और वो विलाप करने लगी, तड़पने लगी उस परम चेतना के लिए एक एक पल। लेकिन वो तो राधा जी के साथ जा रही है,
फिर बड़ी अद्भुत घटना हुई, राधा जी को भी अहंकार हो गया। राधा जी को भी, राधा जी को जब अहंकार हुआ तो उन्होंने रस्ते में ही कहा कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कहा आप मुझे अपने कंधे पर उठा लो। बड़ी आश्चर्य में घटना, बड़ा अद्भुत। कान्हा देख रहे कि इन्हें भी अहंकार हो गया और यहां भी प्रभाव हो गया। जो ही बैठे उन्होंने अपना पैर ऊपर उठाया, पैर ऊपर उठाते ही और कान्हा जी वहां से भी चले गए। जब कान्हा जी वहां से गए तो राधा जी भी मिलाप करने लगी और वो भी अकेली पड़ गई, क्योंकि जहां जहां अहंकार उत्पन्न होता है वहां से वो दूर होते चले जाते हैं। जहां जहां भाव परिवर्तन होता है उससे वो दूर होते चले जाते हैं। जहां जहां शरणागति पर प्रभाव होता है, जीव अपने आप को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर ले तो फिर सब कुछ उठा करके ले जाए तो फिर प्रभाव होता है। फिर वो ठाकुर जी हंसता है कि एक बार दे देते हो फिर अपने आप को उठा ले जाते हो, एक बार शरणागत हो जाते हो फिर वापस ले आते हो। बड़ा अद्भुत खेल है ये उस परम चेतना का। फिर रो रो करके विलाप करती हुई गोपियां राधा जी के पास आई। वहां राधा जी की अकेली थी। उन्होंने राधा जी से पूछा कि तुम्हारे साथ आए मेरे लल्ला तो कहाँ गए? इतना रोई, इतना विलाप किया कि अहंकार भंग हो गया। क्योंकि जब प्रेम पैदा होता है तो अहंकार अपने आप निकल जाता है। कोई भी वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसकी अहमियत कम होती चली जाती है, उसको हम व्यर्थ समझने लगते हैं और ये विचार करने लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत बड़ा बहुत कुछ पाने के योग्य हूँ, बहुत कुछ पा सकता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पात्र हूँ, मुझसे बड़ा पात्र कोई संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार से विचार अंदर में पैदा होने लगते हैं और वही दूषित विचार उस परम चेतना से दूर करने लगते हैं और हम उस परम चेतना से दूर जाते चले जाते हैं और एक दिन बहुत दूर चले जाते हैं। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परम चेतना के बिल्कुल करीब हैं और हम और आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते, नहीं वापिस आ जाते हैं। जो है उनका अहंकार खत्म हुआ। कान्हा जी कहाँ गए? थोड़े ही थे वो तो वहीं थे, एक पल लगा और वहीं प्रकट हो गए और फिर वही रास्ता खेल हुआ, फिर समर्पण।